और वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि जूडा से बातचीत करने को हम तैयार हैं और सरकार के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि प्राथमिकता यह है कि मरीजों को इलाज मिले। जूनियर डॉक्टर्स के लिए बातचीत के रास्ते पहले भी खुले थे और अब भी हम तैयार हैं। विश्वास सारंग ने कहा है कि जूडा कांग्रेस के नेताओं से गुमराह हो रहे हैं। कांग्रेस के वह नेता ट्वीट कर रहे हैं जिन्हें इस मामले में कोई जानकारी ही नहीं है। इस पूरे मामले में हम हर समय से बातचीत के लिए तैयार थे और हैं। हमसे बातचीत करें, अपनी बात को रखें, सरकार की बात को सुने, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि मरीजों का इलाज जरूर करें। मरीजों के हित में हमें जो कुछ करना होगा, हम पहले से कहते आए, हम संवाद इसीलिए कर रहे हैं, हम इसीलिए बातचीत कर रहे हैं, हम इसीलिए मांगों को मान रहे हैं, क्योंकि हम मरीजों का हित चाहते हैं, हम मरीजों का अच्छा इलाज चाहते हैं। तो बिल्कुल लगातार जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, और आपने विश्वास सारंग का बयान भी सुना है कि उन्होंने कहा है कि लगातार सरकार के यही प्रयास हैं कि तालमेल बैठा जाए और सरकार के द्वार जो है वो हमेशा खुले हैं, बातचीत के लिए सरकार तैयार है, लेकिन जूडा डॉक्टर्स जो है वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ भोपाल से संवाददाता अरविंद चौहान लाइव जुड़ चुके हैं, हम उन्हीं का रुख करेंगे। अरविंद, क्या माना जाए जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स 6 दिन से लगातार हड़ताल पर हैं, अमूमन अस्पताल की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है, लेकिन सरकार यही कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन जूडा डॉक्टर जो है वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। बसा निश्चित तौर पर कहेंगे, एक तरफ कोरोना काल के बिल्कुल संक्रमण की दर टूट रही है और जो चैन टूट रही है और पूरा राजधानी सहित पूरा प्रदेश सेहत बंद होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जब जूडा की हड़ताल हुई तो कहीं ना कहीं अब वो उसका पूरा खामियाजा कहीं ना कहीं मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। और इसमें पूरे जो जूडा की हड़ताल में हड़ताल का जो है अब सियासी रंग होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जैसी बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस भी इसमें मैदान में कूद गई है, भाजपा चूंकि सरकार में ही है तो भाजपा भी बयानबाजी कर रही है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जूडा की हड़ताल को अब सियासी रंग मिलना शुरू हो गया है। इस वक्त हमारे साथ है अध्यक्ष अरविंद मीणा, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, 5वां दिन है, संवेदनाएं तो होनी चाहिए जूनियर डॉक्टर्स को। बिल्कुल, नमस्कार स्वराज, मैं आपके माध्यम से एकदम ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमसे ज्यादा संवेदना शायद ही मतलब किसी दूसरे प्रोफेशन में होगी, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे काम किया है जब एकदम पीक था, जब हमारे पास बिस्तर नहीं हुआ करते थे, हमने स्ट्रेचर पे लेटा के जो पेशेंट थे उनका ट्रीटमेंट किया। जैसी इस गर्मी में जब आप 1 घंटे के लिए किसी कार में बैठे रहते हैं, एसी बंद हो जाता है तो आपको दिक्कत होती है। हमने पीपी किट पहन के, मास्क पहन के काम किया है, तो हमसे ज्यादा व्यथा तो मरीजों की कोई जान नहीं सकता। तो मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान और माननीय मंत्री जी कैलाश सारंग जी से निवेदन है कि हम शुरू से स्टार्टिंग से ही आंदोलन के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, हमने बार बार अवगत कराया। और जो माननीय मंत्री जी के ही द्वारा जो प्रपोजल था कि हमारी जो डिमांड थी उनको छोड़ के कि ये हम आपको देना चाहते हैं, तो हमने उसको बिल्कुल विनम्रता से स्वीकार किया। पूरे मध्य प्रदेश के जो जूडा जो बिल्कुल एकदम कोविड में काम कर रहा है पूरे 1.5 साल से, बहुत खुश हुआ उस चीज से, उन्हें ऐसे ही उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन पूरा 1 मंथ निकल गया, उसके बाद चीजें बनी नहीं, उसका ऑर्डर नहीं आया ना कुछ वैसा कुछ मिला, तो इसलिए हम बेबस होकर हमें एक नए आंदोलन की हमने चेतावनी दी। उसके बाद भी हमारी चीजों पे कोई गौर नहीं किया ना उसका कोई रिटर्न ऑर्डर निकला, इसलिए बेबस होकर हमें आंदोलन की तरफ जाना पड़ा। अब भी हम बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आंदोलन हम अभी खत्म करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, अगर वो सारी चीजें जो उनने उस टाइम पे हमें प्रपोजल दिया था वो एक्सेप्ट करते हैं, उसका ऑर्डर देते हैं, तो हम तुरंत ही
जुड़ा हड़ताल से वापस आ गया। इसके दो सवाल हैं अरविंद जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। सवाल यह है कि अभी विश्वास सरन ने कहा है कि आप जब स्टूडेंट हैं तो फिर इस्तीफा कैसा, दूसरा पूरे प्रदेश में एस्मा लगा हुआ है, इसके बावजूद भी आपने काम बंद कर दिया और साथ में हाईकोर्ट की गाइडलाइन थी, उन्होंने आपको आदेश दिए थे कि आप तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर हड़ताल बंद खत्म करें। पहली बात तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम पे एस्मा कैसा, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम पे एस्मा भी लागू नहीं होता, अगर हम एम्प्लॉय नहीं है यहाँ पे, हम तो स्टूडेंट है जैसे माननीय मंत्री जी ने बोला। बात रही कोर्ट तक बात क्यों पहुंची, एक तारीख से पहले भी तो हमने कितनी बार अवगत करवाया, एक आंदोलन के तौर पे जब ये आंदोलन की हमने चेतावनी दी, उससे पहले एक दिन हमने एक प्रदर्शन किया है उसको बंद करने के लिए कि हमने इमरजेंसी सर्विसेज से वो चीजें, उसके बाद ये कोविड और ये सारी चीजें हुई, उसके पहले भी तो बोला, हम कितनी बार मंत्री जी से मिले, कितनी बार उनके अधिकारियों से मिले, उनके अधिकारियों ने हमें श्योर किया कि आप टेंशन मत लीजिए, उसके बाद 10 बार हम मिले कि आप एश्योर हैं आपके आपकी जो बात है, आप लाइव जो क्योंकि कुछ भ्रम की स्थिति है, आपकी मांगे क्या क्या थी, लोग ये आपसे सुनना चाहते हैं, प्रमुख मांगे क्या थी, उनने क्या मान ली थी, अब कहाँ पेच कहाँ फंसा हुआ है? पेच एक ही जगह फंसा है कि हमारी मांगे तो जो भी थी वो उस टाइम पे मीडिया के पास भी थी, लेकिन बात वो हुई जो हमसे जो वादा किया गया था 24% इंक्रीमेंट का जो वादा किया गया था, हमें सुरक्षा के लिए जो चौकी बनाने का वादा किया गया था, हमारे ग्रामीण बोर्ड के लिए जो एक कमेटी बनने वाली थी, ये सब वादे थे उसमें। तो बात ये है कि जब आपने जो वादा किया जिसका ऑर्डर निकल के मई के अंत तक आ जाना चाहिए था, लेकिन जब मई का मंथ पूरा खत्म होने वाला था तब तक उसका कोई ऑर्डर नहीं आया, बाद में जब चीजें पता चला कि आप उस चीज से आपके ब्यूरोक्रेसी आपका जो भी डिपार्टमेंटल जो भी इशू रहे हैं उसकी वजह से आपने उस चीज से पलट गए, तभी से एक जो एजिटेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि जूनियर डॉक्टर आप जानते हो कि पूरे साल से उसने किस तरह से काम किया, किस तरह से व्यथित है वो, कितने जूनियर डॉक्टरों की डेथ हुई है, 90% जूडा इन्फेक्ट हो गया कोविड में, वो काम करता रहा, उसकी भी तो एक आशा होगी सरकार की तरफ। दूसरे राज्यों में जहां सरकार ने 24% आपने प्रपोज किया उसको एक्सेप्ट किया, 26% का इंक्रीमेंट दिया गया है इस कोविड काल में, बहुत सारे 25-26 हजार एक्स्ट्रा दिए गए, ये बात पैसे की नहीं है, बात अब आ गई है आपने जो वादा किया था, हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं आपसे, जो आपने वादा किया वो पूरा करें और जल्द से जल्द हमें बुलाए, हम मिलने के लिए तैयार है। माने सवाल सबसे बड़ा ये उठता है क्योंकि डॉक्टर जो पैसा है आपका बड़ा संवेदनशील है, हाईकोर्ट ने कहा है कि आप तत्काल प्रभाव से काम पर लौट जाएं, लेकिन जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आया आप लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, तो ये इसे आप कहां तक वैध मानते हैं, और सरकार का कहना है कि उचित मंच नहीं है, उचित समय नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, लोग आपको सर आंखों में बिठा रहे हैं, आपकी तारीफें कर रहे हैं, और इस समय इस्तीफा देना कहां तक उचित था? अब ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम लोग भी डॉक्टर हैं, गरीब परिवार से आते हैं, जब सभी जगह तीन साल पहले आपने वादा किया था, 3 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपने 6% इंक्रीमेंट का आपने ही वादा किया था लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, आपने ही नहीं किया, आपकी ही सरकार थी, अभी भी आपने फिर वादा किया और वादा तोड़ दिया। रहिए, हम ग्वालियर चल रहे हैं, ग्वालियर के जूड़ा के हालात हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रुकी है आप। जी बिल्कुल अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ, अभी हम फिलहाल इंदौर का रुख कर लेते हैं। इंदौर से हमारे साथ अजहर शेख लाइव जुड़ गए हैं। अजहर, क्या माना जाए जिस तरह से जूनियर डॉक्टर 6 दिन से लगातार हड़ताल पर है, इंदौर की भी हमने तस्वीरें देखी, इस्तीफा दिया है, तो क्या लगता है अभी मौजूदा हालात इंदौर के क्या है? देखिए, आपको इंदौर के हालातों की बात में बता जाऊंगा, इंदौर में अभी भी जो हालात हैं वो जूड़ा हड़ताल पे बैठा है, उनकी साफ तौर पर यह मांग है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, जब तक हम वापस अब लौटने नहीं वाले हैं। पूरे प्रदेश भर के जो जूड़ा के अध्यक्ष हैं वो भोपाल में बैठे हैं, अभी हमने कुछ देर पहले ही बात की थी जूडा के जो महिला डॉक्टर हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने जो सामूहिक इस्तीफे दिए हैं, हमारी अगर मांग पूरी कर ली जाती है तो हम इस कोरोना काल में, हमें भी पता है कि कोरोना मरीजों के क्या हाल हो रहे हैं, पेशेंटों के क्या हाल हो रहे हैं, हम उनका इलाज करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग तो माने, सरकार ने हमें 2 बार आश्वासन दिया था लेकिन हम जब सरकार के आश्वासन पर लौटे थे, लेकिन अब जो मांगे वो पूरी नहीं की जा रही है, हमें लिखित में चाहिए, लेकिन देखिए ये बात सुनने में आती है कि सोभा का और एक लिखा, अब जूडा को सिर्फ लिखित की आवश्यकता है कि जो सरकार अगर बोल रही है कि हम आपकी सभी मांगे मांगते हैं, तो जूडा का सब साफ तौर पर कहना है कि आप हमें लिखित में दे दीजिए। इंदौर में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी बात करने पहुंचे थे, दिन ने बात करी, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि मंत्री जी आप हमें लिखित में दे दें, हम वापस उल्टे पैर लौट जाते हैं, मरीजों का उपचार कर देते हैं, लेकिन तमाम उनकी जो मांगे हैं, आए दिन उनके संग विवाद होना,
जो उनकी जो साल भर की जो फीस है वो उनको माफ करने की बात किया है, सीएम ने जो सम्मानित बात की जाती वो होना, उनके परिवार के जो इलाज है वो बात होना, तमाम ऐसी जो उनकी मांगे हैं अभी तक पूरी नहीं की गई है। जूडा का साफ तौर पर कहना है कि हर दिन हमारी जो हड़ताल है वो जारी रहेगी, जो छठा दिन आज है हड़ताल को हो चुका है, लेकिन हमें लिखित में जो आवेदन मिल जाए उसके बाद हम उल्टे पैर लेटेंगे। जहां पर इंदौर के एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने एक अपील भी दायर की थी, जहां पर हाईकोर्ट से बात करने को लेकर भी पहल की गई थी, लेकिन उस पर भी कोई निराकरण कोई सुनवाई नहीं लौटी है। जूडा एमवाई परिसर में अलग अलग तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है, अपनी सरकार तक मांग पहुंचाने की बात कर रहा है। वहीं जूनियर डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि हमने विश्वास सारण से बात करने की कोशिश बीच में की थी, लेकिन उनका कहना था कि मैं बिहार में हूं, मतलब अलग अलग जगह चुनाव की बात की गई थी तो उनसे बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन अभी साफ तौर पर जूडा का कहना है कि हमें मरीजों का उपचार करना है, लेकिन सरकार जितनी जल्दी वापस हमारे पास आएगी हमें राहत देगी, लिखित में देगी, हम तुरंत बेड इलाज के लिए पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल अजहर, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हम ग्वालियर का रुख करते हैं, हमारे साथ विनोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं, सरकार से मांगे कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन क्या लगता है आपको ग्वालियर में जिस तरह की क्या तस्वीरें हैं वहां पर, किस तरह से डॉक्टर्स जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ग्वालियर में लगातार जूडा की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। आज उन्होंने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया, पहले हाथों में थाली और चम्मच ली और उसको बजाते रहे, काफी देर तक बजाने के बाद कोरोना गो के उन्होंने नारे भी लगाए। उन्होंने सीधे तौर पर एक कटाक्ष किया सरकार पर कि केवल थाली बजाने से कोरोना नहीं गया था, बल्कि उन जैसे डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की, कई साथियों को खोया और तमाम परेशानियों के बाद लोगों को उनके घर पहुंचाया, उनकी जो कोविड संक्रमण से उनको रक्षा की, इस तरह का उन्होंने एक प्रदर्शन किया। कुछ देर बाद फिर उन्होंने दूसरा प्रदर्शन किया जिसमें सरकार को एक जगह सरकार लिखकर उस पर सरकार का तख्ती लगाकर और उस पर फूल एक दूसरे ने फेंके डॉक्टर ने। उनका कहना था कि पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से वो कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं और उनका कहीं हेलीकॉप्टरों से पुष्प उन पर वर्षा किए गए थे, कहीं सरकार के नुमाइंदों ने उन पर पुष्प वर्षा की गई थी, अब वो उन पुष्पों को वापस सरकार पर फेंक रहे हैं और सरकार को ये कह रहे हैं कि हमें ये पुष्प नहीं चाहिए, हमने मानवता की सेवा की है और ये हमारा काम था जो हमने की है। इसी बीच आईएमए इंडियन डॉक्टर एसोसिएशन, जो उन्होंने आईएमए ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने उनको ये साफ तौर पर कहा कि वो उनके साथ हैं और उन्होंने उनकी आवाजों में आवाज मिला के कहा कि डॉक्टर जो मांग कर रहे हैं वो पूरी तरह से वैध है और ये मांगे पूरी होना चाहिए। इसी बीच सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उन्होंने भी उनको जो सपोर्ट दिया था उसके चलते 46 यानी 46 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है और उनको ये आदेश दिया गया है कि वो एक तो जो कैंपस है उसमें नहीं दिखेंगे, दूसरा उनसे जो हॉस्टल है वो खाली कराए जा रहे हैं और ये मेडिकल कॉलेज में जो डीन है डॉक्टर समीर गुप्ता, क्योंकि प्रभारी डीन है, उनका ये कहना है कि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो, इसके चलते ये आदेश जारी किए गए हैं। तो अब ये जो मामला है काफी तूल पकड़ गया है, क्योंकि सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर के चलते बर्खास्त हुए हैं 46 डॉक्टर, तो अब जूनियर डॉक्टरों पर भी एक बड़ा दबाव है कि जिनके चलते और जिनकी वजह से जो 46 डॉक्टर बर्खास्त हुए हैं उनके बर्खास्त होने के बाद अब वो समझौता तत्काल नहीं कर सकते हैं। वहीं डीन जो समीर गुप्ता हैं, उन्होंने कहा, डॉक्टर समीर गुप्ता ने, कि वो सीएमएचओ ग्वालियर भिंड मुरैना और आसपास के जो सीएमएचओ हैं उनसे भी संपर्क किए हुए हैं, वो वहां से डॉक्टर बुला रहे हैं ताकि जयरोग अस्पताल की जो व्यवस्था है वो सुचारू चलती रहे। लेकिन कल्पना कीजिए कि जिस अस्पताल में तकरीबन 330 जूनियर डॉक्टर थे जो 24 घंटे ड्यूटी करते थे, सीनियर डॉक्टर जो आते थे 24 घंटे में एक बार आते थे और आकर विजिट करते थे, देखते थे किसको क्या मेडिसिन दिया जा रहा है, उसकी स्थिति क्या है, परीक्षण करने के बाद मेडिसिन लिखकर चले जाते हैं, लेकिन 24 घंटे तक यही जूनियर डॉक्टर उनको मेडिसिन देते थे और बाकायदा उनकी देखभाल करते थे और अचानक जब भी कोई इमरजेंसी बात होती थी तो जूनियर डॉक्टर के हवाले ही सब कुछ होता था। अब वो 330 जूनियर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से नहीं है, अब वो हड़ताल पर है। जयरोग अस्पताल की हालत बेहद खराब है, ग्वालियर संभाग के आसपास के जिले के भी लोग आते हैं, वो भी यहाँ जो मरीज आ रहे हैं वो अब बाहर जा रहे हैं, जो निजी अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं, जो मरीज भर्ती है उनको उपचार नहीं हो पा रहा है, उनको दवाइयां नहीं मिल पा रही है, उनकी स्थिति बेहद खराब है और यहाँ कोविड के मरीज तो भर्ती हैं सुपर स्पेशलिटी में, इसके अलावा ब्लैक फंगस के मरीज यहाँ पर भर्ती हैं,
साथ ही जो सामान्य बीमारियां होती हैं वो भी यहाँ पर भर्ती है। न्यूरोलॉजी एक अस्पताल है, उसमें भी मरीज भर्ती है। तो तमाम जो मरीज हैं उनके परिजन हमने आज देखे कि वो बेहद परेशान है, कई परिजन रोते हुए नजर आए, मरीज उनके तड़प रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि इतनी व्यवस्था नहीं है मेडिकल कॉलेज पर कि एक साथ इतने डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जा सके कि वो जो जूनियर डॉक्टर है उनकी कमी पूरा कर सकें। और जूनियर डॉक्टर भी साफ तौर पर इस बात पर अड़े हैं कि अब वो अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और अब सीधा सा जैसा अभी मेरे साथी ने बताया था कि उनसे जब चर्चा की कि जो जूडा डॉक्टर के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जब हम स्टूडेंट हैं तो हम पे एस्मा केस है। बिल्कुल यही बात ग्वालियर में कहा कि हम जब कर्मचारी नहीं मान रहे हमको तो फिर हम पे एस्मा केस लगाया जा सकता है और हम इस बात से क्यों डरे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार से हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मांग है वो वाजिब मांग है और सरकार ने हमको भरोसा दिया था, उन्होंने जो हमसे कमिटमेंट किया था हम वही कमिटमेंट उनको याद दिला रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप पूरा कीजिए। लेकिन सरकार जब पूरा नहीं कर रही तो उनको मजबूरी में आकर इस तरह से सड़कों पे आना पड़ा है। और वो भी इस बात से दुखी है कि मरीजों का उपचार नहीं हो रहा, वो भी इस बात को समझ सकते हैं कि उसमें भी बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो पीड़ित आ रहे हैं, उनको तत्काल उपचार की आवश्यकता है। तो देखिए ये पूरा मामला सरकार के पाले में है, पूरे जो कुछ है वो सरकार को करना है, सरकार को ही बातचीत करनी है और एक बातचीत होना भी चाहिए जल्दी से जल्दी पूरे जो परेशानी है इसका निराकरण होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर का ये कहना है कि उन्हें विश्वास सारंग जी की बात का भरोसा नहीं है, पहले भी उन्होंने कुछ कहा और अभी भी कुछ कह रहे हैं, उनको लिखित में चाहिए सब कुछ जो वो मांग कर रहे हैं वो लिखित में चाहिए। एक दो बात पर बात हो सकती है लेकिन लिखित में चाहिए। लेकिन आईएमए के बीच में आ जाने से और जो जूनियर डॉक्टर है उनके हौसले और भी अब बुलंद हो गए हैं, वो पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। हालांकि अभी चर्चा चल रही है, मेडिकल कॉलेज की डीन है, अधीक्षक है और तमाम जो अधिकारी हैं संभागीय आयुक्त, तो वो भी स्टूडेंट से चर्चा कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी जल्दी बात बन जाएगी। और जूनियर डॉक्टर अरविंद, आप विनोद आप नजरें बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जबलपुर से अरविंद दुबे लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या लगता है आपको जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है, अगर बात की जाए जबलपुर की तो मौजूदा हालात वहां पर क्या है, क्या मरीजों को वहां पर समय पर इलाज मिल पा रहा है क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स तो हड़ताल पर है? प्रदेश के बाहर की चार मेडिकल कॉलेज हैं, वही जबलपुर के भी है, पूरा फर्क नहीं है। सिर्फ इतना है कि इलाज बराबर मिल रहा है लेकिन हाँ उतना नहीं मिल पा रहा है जितना उनको जूनियर डॉक्टर की उपस्थिति से मिलता था। सीनियर रेसिडेंट्स, कंसल्टेंट, डेमोन्स्ट्रेटर्स और प्रोफेसर्स की ड्यूटी यहाँ पर लगा दी गई है और वे 24 घंटे लगातार उन वार्ड में ड्यूटी दे रहे हैं जहाँ पर गंभीर रूप से मरीज भर्ती हैं और बीमार हैं जिनका इलाज चल रहा है। सबसे पहले कोविड वार्ड और दूसरा ब्लैक फंगस वाला न्यूकोर वार्ड, ये दोनों वार्ड पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा गंभीर रूप से मरीज बीमार मरीज यहीं पर भर्ती हैं, एडमिट हैं, यहीं पर इनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर मैं दो बातें कहना चाहूंगा, दो क्योंकि जबलपुर से संबद्ध है इस पूरे मामले को लेकर। पहला, जबलपुर में ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य पीठ है जिसने आदेश जारी किया था। दूसरा, जबलपुर में ही मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसके जिससे संबद्ध है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, पांच मेडिकल कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। नियम कानून सारे इस यूनिवर्सिटी से यहीं से जारी होते हैं। नया अभी जो फरमान जारी हुआ है आज शाम को मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो ये कि जितने भी पीजी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिन्होंने शर्तों का बॉन्ड का उल्लंघन किया है, और बॉन्ड में एक शर्त ये भी थी कि यदि कोई बॉन्ड का उल्लंघन करता है पीजी स्टूडेंट तो उसको सरकार को 10 से 25 लाख रुपए वापस करना होंगे। तो इस जो पैसा है ये वापस भरने के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी ने उन पीजी स्टूडेंट को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे कहा है कि जितनी जल्दी हो सके वे 10 से 25 लाख रुपए जिस कैटेगरी में भी आते हैं वे उस राशि को तुरंत जमा करें क्योंकि उन्होंने बॉन्ड के नियमों का उल्लंघन किया है। तो ये एक नई बात सामने आ गई है सामने, और इस वजह से अभी इस वक्त जिस वक्त हम और आप वर्षा जी चर्चा कर रहे हैं उस वक्त जूनियर डॉक्टर्स जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डीन कार्यालय के सामने खड़े कटोरा हाथ में लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास तो 25 रुपए भी नहीं है देने के लिए, हम सरकार को 25 लाख रुपए कहां से देंगे। तो इस तरह से ये धरने प्रदर्शन का दौर इस वक्त चल रहा है, जबलपुर में भी स्थिति वही है। दूसरी बात यह है कि अभी मैं जैसे प्रदेश अध्यक्ष की बात सुन रहा था, वे कह रहे थे कि सरकार हाईकोर्ट में क्यों गई। यहाँ पर एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, जो बात अभी तक मीडिया में सीधे तौर पर साफ नहीं हो पाई थी, ये कि सरकार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर करने नहीं गई थी। ये तो 8 साल पुरानी याचिका है, 2014 में दायर की गई थी एक याचिकाकर्ता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने दायर की थी जब जूनियर डॉक्टर तत्कालीन जूनियर डॉक्टर्स बार बार हड़ताल कर रहे थे, तब वे गए थे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने हड़ताल करने पर रोक लगा दी थी।
ये याचिकाकर्ता ने दोबारा आवेदन दिया अभी मई के महीने में, जब दो बार जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए, तब उन्होंने ये आवेदन देकर उस याचिका पर पुनर्विचार के लिए निवेदन किया हाईकोर्ट से, जिसमें राज्य सरकार हाईकोर्ट नहीं गई थी। उस आवेदन पर विचार करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक, जस्टिस जयपाल की डबल बेंच ने आदेश दिया था कि ये हड़ताल जूनियर डॉक्टर्स की असंवैधानिक है। तो यहाँ ये मामला पूरी तरह से जूनियर डॉक्टर्स को क्लियर कर लेना चाहिए कि राज्य सरकार यहाँ पर हाईकोर्ट नहीं गई थी। दूसरी बात, अब मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो फरमान जारी किया है उसके तहत इन्हें पैसे वहां पर जमा करना पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये हो गया है कि जूनियर डॉक्टर्स दबाव में है। हम सभी उनका पूरा सम्मान करते हैं, उन्होंने पूरे समर्पण के साथ कोविड के समय पर लगातार उन्होंने काम किया है। 24% हाइक की बात हो रही है कोविड भत्ते को लेकर, मेन जो लड़ाई है इनकी कि कोविड भत्ता जो है 24% बढ़ाकर दिया जाए, जो पिछले समय से लंबित पड़ा है। सरकार को इस मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनके कोविड भत्ते को बढ़ाकर यदि दे दिया जाएगा तो निश्चित रूप से थोड़ा आगे पीछे होकर ये हड़ताल समाप्त हो जाएगी और जूनियर डॉक्टर्स वापस काम पर आ जाएंगे। थोड़ा सा एक कदम सरकार आगे बढ़ जाए, एक कदम जूनियर डॉक्टर्स आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर बात समझ सकती है, अभी कहीं बहुत ज्यादा बिगड़ी नहीं है। और मरीजों के लिए, प्रदेश के लिए यही जरूरी है कि दोनों पक्ष आगे बढ़े, एक एक कदम और बात को समाप्त करें। बिल्कुल अरविंद, सही कहा आपने। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हड़ताल पर है जूनियर डॉक्टर, सरकार को भी चाहिए कि वो एक कदम आगे बढ़े और जूनियर डॉक्टर्स भी एक कदम आगे बढ़े, क्योंकि दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है लगातार कि सरकार बात मान रही है लेकिन जूनियर डॉक्टर्स को लिखित में आश्वासन चाहिए। तो क्या लगता है, इस तरह से ना तो सरकार बात